So hey beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me Dilwar and you are watching Travel with Dilwar. So right now I am going to Barhampur Somoda call kiya tha, vintage wala Somoda call kiya tha. Do teen mahine pehle ek Zanagar product order kiya tha. Finally aaj wo mujhe mila hai aur Somoda call kiya tha parso. तो बाइक का कुछ मॉडिफिकेशन करना है, बाइक में कुछ ऐड करना है, बाइक का लुक ही चेंज हो जाएगा आज के बाद, तो वो आपको दिखाऊंगा। बहरमपुर जाके आपको दिखाएंगे क्या मॉडिफिकेशन हो रहा है बाइक पे, कैसा लग रहा है बाइक, आप ज़रूर बताना कमेंट में, ठीक है। तो चलो मिलते हैं मोटर व्लॉगिंग सेटअप पे। तो मैं अभी समुदा के दुकान पे आ गया हूँ विंटेज पे, और मेरे साथ इमदादुल भी आया है, वो पीछे रह गया, तो देखते हैं वो कहाँ है और जाएंगे विंटेज कहाँ है एक बार दिखाता हूँ। ये जो मोड़ है ना, ये जिला परिषद वाला मोड़ है, वो देखो आगे जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, वो जिला परिषद है। और ये देखो विंटेज, बहुत ही मस्त दुकान है, यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा, बाइक का सर्विस ऑल पार्ट्स आपको मिल जाएगा। A few moments later. So ये है हमारी ये सारे चीज़ जो कि इमदादुल पकड़ के बैठेगा अभी पिलियन पे, तो चलो आपको ये सब लगा के फाइनल आउटपुट दूंगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ विंटेज से खैरुलदा के गैराज पे, जो कि पंजवन तला मोड़ पे ही है। पंजन तला मोड़ छोड़ के थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, लालबाग की तरफ जो रोड जा रहा है ना, वो रोड पे पासपोर्ट ऑफिस की तरफ, वो रोड पे। तो वहाँ जाते जाते मुझे आगे पेट्रोल पंप होगा, पेट्रोल पंप है एक, उसके ऑपोजिट में ही पड़ता है। चलो दिखाता हूँ आपको, थोड़ा ये ज़्यादा नहीं है, मतलब विंटेज से हाफ किलोमीटर होगा शायद। ये रहा KKR बाइक मॉडिफाई, यही है खैरुलदा के गैराज। तो देखेंगे आज होता है कि नहीं, फ्री है कि नहीं, नहीं तो दूसरी जगह लगाना पड़ेगा। वेल एवरी वन, राइट नाउ इट्स 5 o'clock इन आफ्टरनून। तो मैं अभी मेरा बाइक में मॉडिफिकेशन किया, जो कि धांसू लग रहा है बाइक अभी, तो आपको बाइक कैसा लगा थोड़ी बाद में दिखाता हूँ, थोड़ी खुली जगह जाके दिखाता हूँ, अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बहुत क्राउड है, आप देख सकते हो कितना क्राउड है ये देखो, तो अभी ठीक से दिखा नहीं पाऊँगा। और ये वाला जहाँ मॉडिफिकेशन किया ना मैं, ये वाला खैरुलदा का गैरेज है, और खैरुलदा का रिकॉर्डिंग में वीडियो में ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको नंबर भी मिले और आइडिया भी मिले। और मैंने जहाँ स्टिकरिंग किए बाइक के, चिपकाया स्टिकर चैनल का, तो वो वाला ना कहाँ पे है वो तो वीडियो मैं दे दूँगा, आप देख लेना, ठीक है। तो खैरुलदा का और कल्याणदा का दोनों का नंबर आपको मिल जाएगा होर्डिंग पे। और ये जगह है ना, वो जो आगे देख रहा हो वो जो जगह, ये पंजन तला मोड़ है, और पंजन तला मोड़ से टूवर्ड्स आप आओ लालबाग की तरफ या पास बहरमपुर पासपोर्ट ऑफिस की तरफ, और ये जो है इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प, उसके एकदम ही अपोजिट पे दोनों ही दुकान मिल जाएगा आपको, खैरुलदा का और कल्याणदा का, जो कि स्टिकर बनाता है। थोड़ी देर बाद आपको बाइक का लुक दिखाता हूँ,
कि वो लगा के लुक बदल गया, एकदम धांसू लग रहा है। तो आपको थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ। चलो, तो ये जो है यही है विंटेज शोमोदा की शॉप। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, बाइक का कुछ भी मांगोगे यहाँ मिल जाएगा। टायर से लेकर मोबिल या बाकी सारे एक्सेसरीज सब कुछ यहाँ मिलेगा। और भी VIP कलेक्शन है हेलमेट की। मुझे ये लगता है बरहमपुर में जो हेलमेट का कलेक्शन है सभी यहाँ पे मिल जाएगा। ये वाला देखो यार, बहुत ही मस्त लग रहा है मुझे। Years later. Well everyone, this is the second day of this vlog. Actually क्या ना, कल मैं जब आया था बहुत ही रात हो गया था। हम कभी भी बरहमपुर जाता है तो बहुत ही रात कर देते हैं हम लोग, पता नहीं कैसे टाइम निकल जाता है। और ठेके पे पप्पूदा था और भी बहुत सारे, पप्पूदा शाहिंदा बहुत सारे बाइकर थे उधर, तो उन लोगों से बात करते करते बहुत ही देर हो गया, तो उसके लिए वीडियो शूट नहीं कर पाया जो वीडियो दिखाने वाला था आपको। ठीक है, मेरा बाइक का मतलब क्या क्या कस्टम किया मैंने बाइक का, सर बंगोपुर वाला जो रोड, मतलब ये रोड खाली खाली रहता है तो अच्छा लगता है, वैसे ही आके बैठता हूँ इधर। तो वहाँ पे आया और यहाँ दिखाऊंगा आप लोगों को कि क्या कस्टमाइज किया। ठीक है, एंड राइट नाउ इट्स 5:30 इन द आफ्टरनून। सो चलो बिना देरी किए, वेदर बहुत ही क्लाउडी है तो ठीक से दिखा नहीं पाऊंगा, इसीलिए जल्दी शूट कर लेता हूँ। तो चलो शुरू करते। तो फर्स्ट मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। ये तो आप लोगों ने पहले ही देखा है, लेकिन उसके बाद भी मैं बताना चाहूँगा कि टोटल कस्टमाइजेशन क्या क्या किया मेरे बाइक का। तो ये है नंबर रिलोकेटर, जिसका प्राइस मुझे पड़ा अराउंड 400। और ये जो फॉग लाइट इंस्टॉल किया, फॉग प्लस LED, ये स्विचेबल है, फॉग प्लस LED में स्विच हो जाता है। एक कन्वर्टर स्विच मिलेगा आपको जो कि ख़रीदना पड़ेगा अलग से। तो ये मुझे पड़ा 1500 के करीब, ये मुझे पड़ा। और अलग से परचेस करना पड़ेगा आपको जो स्विच होता है ना, वो स्विच अलग से परचेस करना पड़ेगा, कन्वर्टर वाला स्विच। और ये जो बग बस्टर, ये भी मैंने आपको दिखाया था पहले, ये मुझे पड़ा 1500, जो कि विंटेज से ख़रीदा था मैंने बरहमपुर में। और मैंने लिया ये चीज़, ये चीज़ ना बहुत ही काम की चीज़ है, ये बहुत प्राइस ले लेता है लेकिन फिर भी वर्थ है मुझे ये लगता है। ये जो लिखा है ना QC 3.0, इसका क्विक चार्ज ना बहुत ही कमाल का है और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी मजबूत है, काफ़ी अच्छा है, फ़ोन आप सेफली रख सकते हो। मतलब आपका ये चीज़ ना थोड़े पैसे देकर, ज़्यादा पैसे देकर खरीदना चाहिए, क्योंकि इधर फ़ोन रखोगे आप तो ये थोड़ा मजबूत होना चाहिए। और ये वाला स्विच, ये स्विच मेरा एक है फॉग के लिए और एक LED के लिए, ये स्विच अलग से परचेस करना पड़ेगा आपको। और सबसे बड़ा कस्टमाइजेशन मेरा जो है वो ये है, जाना द हेवीएस्ट थिंग्स ऑफ माई बाइक। तो ये है जाना का प्रोडक्ट, जाना इंटरनेशनल। ये एक्चुअली मैं ऑनलाइन परचेस नहीं किया था, ये समुदा को ऑर्डर किया था विंटेज पे बरहमपुर, तो वो मुझे ला के दिया समुदा। ये मुझे पड़ा 7200 टॉप रैक प्लस सैडल स्टे, ये दोनों मिला के। और ये बोबो मुझे कॉस्ट पड़ा 1900, ये बोबो मुझे पड़ा कॉस्ट। एक चीज़ एक और है जो कि मैं इसको प्रीफर करना चाहूँगा आपको, अगर आप ऑफ रोड लवर हो, आप अगर आप पहाड़ में ट्रैवल करते हो तो आप ऑफ रोड टायर ज़रूर लगाना। मतलब मैं तो लगा लिया, बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करवाता है आप ऑफ रोड वाला टायर। आप किसी भी ब्रांड में जा सकते हो, आप ठीक से ध्यान से चेक कर लेना। मेरा तो है MRF का, MRF ऑफ रोड टायर। तो यही था बस मेरा कस्टमाइजेशन। और ये सुंदर सा चैनल का नाम आप देख सकती हो, तो ये वाला बहुत ही मस्त लग रहा है मुझे। और ये स्टिकर रिंग ना कल्याणदा के पास मिल जाएगा आपको, तो आपको वीडियो में पता चल ही गया होगा कि कल्याणदा का नंबर और खैरुलदा का नंबर क्या है। बाइक पे कुछ भी कस्टमाइजेशन करना चाहोगे तो खैरुलदा के पास जाओ, उनके पास सभी अरेंजमेंट है, सब कुछ कर देगा कस्टमाइज। और ये वीडियो थोड़ा बहुत निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसा लगा, अब बताना। ठीक है,
यार आज भी मुझे सूरज मामा साथ नहीं दिया, मतलब अभी मैं AI हाईलाइट ऑन करके वीडियो कर रहा हूँ। तो यही था बाइक का कस्टमाइजेशन। आई होप आपको मेरा छोटा मोटा कस्टमाइजेशन अच्छा लगा है। अगर लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, ज़्यादा बात करने के टाइम नहीं है। लाइट चली गई है अभी, तो एक बाइक आ रहा है उसके वजह से थोड़ा बहुत लाइट आपको दिख रहा होगा चेहरे पे। बाकी तो मोबाइल का AI हाईलाइट और नाइट मोड एक साथ काम कर रहा है तभी ऐसा थोड़ा बहुत दिख रहा है ये चमकता हुआ फेस। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, कम से कम मेरे बाइक के लिए एक लाइक दे देना, ठीक है। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि मेरा कस्टमाइजेशन कैसा लगा। अगर आपको कोई भी कस्टमाइजेशन करना है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलो अभी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू ऑल गाइस।